अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और हमारा नोटिफिकेशन पाने और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो गीदड़ भाई की कहानी। चंपावन नाम के जंगल के राजा शेर के यहाँ दो गीदड़ भाई मंत्री पद पर आसीन थे। दोनों अत्यधिक चालाक, धूर्त और चुगलखोर थे। दोनों ने राजा को अपनी धूर्तता से अपने वश में कर रखा था। राजा उनकी सलाह के बिना कोई कार्य न करता। दोनों भाइयों ने अपनी चालाकी से पूरे दरबार में धूम मचा रखी थी। एक बार चंपावन से गुजरते हुए एक बनिए का बैल दलदल में फंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी वह बैल दलदल से निकल ना सका, तो बनिए ने बैल को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया और वापस लौट गया। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हाथ पैर फेंक फेंक कर आखिरकार बैल दलदल से निकल ही गया। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह वन में घास चरता, जुगाली करता और मस्ती में भरकर गर्जना भी करता। इसी प्रकार उसके दिन बीतने लगे। एक दिन संयोगवश वन के राजा शेर ने वह गर्जना सुनी। गर्जना सुनकर वह घबरा गया। इतना तो वह समझ ही गया था कि यह गर्जना किसी शेर की नहीं थी, ये कोई मुझसे भी बड़ा खूंखार जानवर है, उसने सोचा। और उसी दिन से वह डरा डरा सहमा सहमा सा रहने लगा। ये बात उसके मंत्री गीदड़ों से छुपी ना रही। वे समझ गए कि शेर अवश्य ही उस बैल की गर्जना से डर रहा है। भैया, ये अच्छा अवसर है, राजा डर से सहमा हुआ है। यदि हम उसके डर को दूर कर दें तो उस पर हमारा एहसान हो जाएगा और हमारे पद में भी वृद्धि हो जाएगी, छोटे गीदड़ ने बड़े गीदड़ से कहा। अच्छी युक्ति है भैया, चलो इस युक्ति पर अमल करो। सलाह मशवरा कर दोनों भाई चल पड़े। एक बैल के पास जा पहुंचा और दूसरा वन के राजा शेर के पास। एक ने बैल को डराया और दूसरे राजा को। फिर कहा कि यदि वे उनका कहना मान ले तो वे उनके डर को दूर कर सकते हैं। राजा और बैल दोनों इस पर सहमत हो गए। दोनों गीदड़ भाइयों ने उनकी आपस में मित्रता करा दी। मित्रता इतनी गहरी हुई कि बैल की मित्रता के सामने शेर दोनों गीदड़ भाइयों को भूल गया। ये बात उन दोनों गीदड़ भाइयों को बहुत ज़्यादा खटकी और दोनों फिर से सलाम मशवरा करने बैठ गए। छोटे गीदड़ ने कहा, भैया ये तो हमने अपनी राह में कांटे बो दिए। हाँ भैया, तू ठीक कहता है, बड़े गीदड़ ने छोटे की हाँ में हाँ मिलाई। जब से ये बैल राजा का मित्र बना है, राजा तो हमें भूल ही गया लगता है। और भैया, अगर जल्दी ही इसका इंतजाम नहीं किया गया तो हो सकता है कि राजा हमें पहचाने से ही इनकार कर दें। वह बैल जितना सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं, छोटे ने कहा। ये भी तो बिल्कुल ठीक बोला भैया, अब क्या करें, कुछ सोच, वरना अगर एक बार मौका हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। छोटा गीदड़ बोला हाँ, और फिर कुछ सोचने लगा। बड़ा भी खामोशी से उसके मुखमंडल को निहारता रहा। भैया, काफ़ी देर बाद छोटा गीदड़ बोला। हाँ भैया, बड़ा वाला बोला, एक युक्ति है मेरे पास, बहुत अच्छी है। यदि हम चाहें तो चंपावन के राजा भी बन सकते हैं। कैसे कैसे, जल्दी बता भैया। बड़ा गीदड़ उतावला हो उठा, तो छोटे ने मुस्कुराकर बोला, सुनो भैया, डर एक ऐसी चीज़ है जो घुस जाए तो मरते दम तक जीव के मन से नहीं निकलता। राजा और बैल के मन में एक दूसरे के प्रति डर घुस चुका है, अब वह कभी नहीं निकलेगा, भले ही वह उसे भूल जाए, लेकिन यदि उस डर की याददाश्त ताज़ा की जाए तो वह डर फिर बाहर आ जाएगा। तब मैं कुछ देर के लिए रुका, फिर वापस बोला, तब भैया एक और से तुम और दूसरी ओर से मैं, राजा और बैल दोनों को भड़का देंगे और फिर तुम जानते ही हो कि क्या होगा। हाँ मैं जानता हूँ, बड़े गीदड़ ने प्रसन्नचित होकर कहा, अब चलिए। और फिर दोनों उठकर अपने अपने मंजिल की तरफ चल दिए। बड़ा राजा के पास और छोटा बैल के पास जा पहुँचा। बड़े ने राजा से कहा, महाराज यदि आज्ञा हो तो एक बात कहूँ। राजा ने उसे आज्ञा दी और बोला, कहो। वह बोला, महाराज गलती माफ़, बैल आपको मारकर चंपावन का राजा बनने की फिराक में है। राजा क्रोधित हो उठा और बोला, क्या बक रहे हो, और अपने स्थान से खड़ा हो गया। क्रोध उसके मुखमंडल पर झलक रहा था, मगर गीदड़ देख रहा था कि उसका शरीर थरथर कांपने लगा था। ये देख वह मन ही मन मुस्कुराया, फिर बोला, महाराज वह बैल अत्यधिक बलवान है, उसने शिवजी की सवारी नंदी के कुल में जन्म लिया है, वह एक साथ कई कई शेरों को मार सकता है। मैंने आपका नमक खाया है महाराज, इसलिए ये बताने चलाया। क्या नंदी के कुल में जन्मा है वह, राजा ने थरथर कांपते स्वर में पूछा। जी महाराज, रात को मेरे सपने में भगवान विष्णु आए, उन्होंने मुझसे कहा
कि तुम अपने राजा से मोह रखते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बता देना उचित समझा। चालाक गीदड़ ने अपनी पुरानी चाल चली। वह अब से पहले भी राजा को इसी प्रकार से कई बार बहका चुका था। राजा को तत्काल उसकी बात पर विश्वास हो गया। वह बोला, अब हम क्या करें? महाराज, एक उपाय है मेरे पास। दूर गीदड़ ने दूसरी चाल चली। क्या, जल्दी बताओ, राजा ने तेजी से पूछा। महाराज, आज यदि आप बैल के पास आते ही उस पर आक्रमण कर दें और उसे समाप्त कर दें तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन महाराज, ध्यान रहे कि अगर बैल ने आप पर एक भी प्रहार कर दिया तो फिर आपका बचना मुश्किल है। ठीक है, हम आज आते ही उसका काम तमाम कर देंगे। राजा ने गीदड़ को कम और अपने दिल को अधिक सांत्वना दी। राजा की बात पर धूर्त गीदड़ मनी मन खिलखिला पड़ा। इधर छोटे गीदड़ ने बैल को फंसा लिया था। अंत में थर थर कांपते हुए बैल ने चालाक गीदड़ से पूछा, अब मैं क्या कहूँ? चालाक गीदड़ भोली सूरत बनाकर बोला, भाई एक ही उपाय बचा है। अगर तुम आज ही राजा का काम तमाम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन एक बात से सावधान रहना कि अगर राजा को वार करने का एक भी मौका मिल गया तो तुम बच नहीं पाओगे। और हाँ, यदि तुम यहाँ से भागे तो राजा तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम विकट स्थिति के आने से पहले ही राजा का काम तमाम कर दो, बाकी के हालात मुझ पर छोड़ दो। इसी तरह नाना प्रकार से समझाने पर राजा के दिमाग में बात घुस गई। अगले दिन वह राजा से मिलने बाग जा पहुंचा। उधर राजा तो उसी का इंतजार कर रहा था। राजा बाग में अकेला ही टहल रहा था। बड़े गीदड़ की योजना अनुसार वह दोनों बाहें फैलाकर बैल की ओर बढ़ा। बैल ने समझा कि राजा उस पर आक्रमण करना चाहता है। वह तेजी से आगे बढ़ा और आगे की दोनों लातें उसने शेर के सीने पर जड़ दी। शेर को लगा जैसे उसके सीने से वज्र टकराया हो। वह दहाड़ता हुआ पीछे की ओर जा गिरा। शेर को पछड़ता देख बैल दुगने उत्साह से आगे बढ़ा। तभी शेर ने कठिनता से खुद को संभाला और बैल की पूंछ को जबड़े में भरकर काट लिया। बैल भयंकर गर्जना करते हुए पीछे को हटा, मगर पीछे हटते हटते भी उसने शेर के सीने पर एक और लात जड़ दी। शेर लात खाते ही गिर पड़ा, मगर वह जल्दी ही बड़बड़ाता हुआ उठा और बैल की गर्दन पर प्रहार कर दिया और पुनः गिर पड़ा। फिर दोनों ने जल्दी ही लड़ लड़कर प्राण छोड़ दिए। दोनों के मरते ही झाड़ियों में छिपे दोनों गीदड़ भाई बाहर निकले। दोनों के मुखमंडल पर कुटिल मुस्कान बिखरी हुई थी। छोटे गीदड़ ने बड़े से कहा, देखो कैसी चुगली खाई, मित्रों में भी हुई लड़ाई, क्यों भाई? ठीक कहा भाई, बड़े गीदड़ ने कहा, और दोनों दरबार की ओर चल पड़े। एक नया ढोंग रचाने, चंपावन का राजा बनने के ख्वाब आंखों में सजाए। इसीलिए कहा जाता है कि चुगलखोर से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ चुगली और चुगलखोर निवास करते हैं वह विनाश का तांडव होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि शेर गीदड़ों की झूठी बातों में न आता तो अपने घनिष्ठ मित्र बैल से इस प्रकार न लड़ता और दोनों अपनी जान न गंवा बैठते।